ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी के बावजूद भी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा और ना ही अधिकारियों को इसे सफल बनाने का जज्बा कहीं कम है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच भी यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। वहीं कुल्लू जिले में किसानों को यात्रा के दौरान कृषि संबंधित नवीन तकनीकों से भी रूबरू करवाया जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान किसान और जो कृषि में उपयोगी ड्रोन तकनीक है उसकी जानकारी उन्हें दी गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 15 नवंबर से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में जारी संकल्प यात्रा के बीच जनजातीय क्षेत्र काजा और केलोंग में ताजा हिमपात हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान -6 डिग्री से -8 डिग्री तक गिर चुका है। लाहौल स्पीति जिले की ग्राम पंचायत कारदंग और बरबोग में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा तो वहां सड़कों में पानी जमा था, बावजूद इसके यात्रा जारी रही। कड़ाके की के बावजूद यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। अब तक लाहौल की 6 पंचायतों तक रथ यात्रा पहुंची है और कल तांदी व वारपा पंचायत में ये रथ यात्रा पहुंचेगी। लाहौल की कारदंग पंचायत के उपप्रधान टशी दावा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही उनके आभा कार्ड भी बनाए गए। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहाँ आ रहे हैं। मोबाइल वैन के तहत हमें विकसित भारत की योजनाओं के बारे में काफी जानकारी मिली है, जिसमें डिस्प्ले में दिखाया गया है कि स्क्रीन में दिखाया गया कि क्या क्या स्कीमें हैं आने वाली, क्या क्या स्कीमें हैं, जो जो स्कीमें हुई जैसे हर घर जल योजना वगैरह है, इनके बारे में जानकारी मिली। कुछ एक स्कीमों का पर अमल भी हुआ है और आने वाले स्कीमों के बारे में हमें जानकारी मिली है। और हम यहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी पंचायत में काफ़ी लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी ली। साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा योगदान कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के हेल्थ के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बीपी शुगर वगैरह जो ठंड के मौसम में खांसी जुकाम रहती है तो उसके बारे में चेकअप कराया, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किए, साथ में आभा कार्ड वगैरह उनका लिंक करने के लिए लोगों को जानकारी दी, उनकी क्या ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी दी और कई लोगों का ये आभा कार्ड लिंक किया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुल्लू जिले की मोहल पंचायत पहुंचने पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि के बहुउपयोगी एग्री ड्रोन की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। मोहल पंचायत में विकसित भारत यात्रा के तहत आज यहाँ पर जानकारी दी गई और इसमें बहुत से विभागों से लोग आए थे, उन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो भी उनके पास जानकारी थी, जो भी लाभ थे वो सभी लोगों को बताए। हमारी पंचायत में आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, आभा कार्ड बन रहे हैं, जिससे लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी हो सके। आज हमने यहाँ पर एग्री ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है सबको। ये एग्री ड्रोन काफ़ी यूज़फुल है, इससे हम फर्टिलाइज़र्स और जितने केमिकल्स हैं उनका ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो एग्री ड्रोन है इससे हम लगभग 10 मिनट में 1 एकड़ तक की जो फार्म लैंड है उसको कवर कर सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं, जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, तो बहुत सारी योजनाओं को लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं जागरूकता की कमी के कारण, कहीं हमारी अपनी कमी के कारण 100% लोगों को अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं थी, जब से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है हमें भी यहीं आके कई तरह की योजनाओं का पता चला। निश्चित रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों का यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो रही है।
डीडी न्यूज के लिए लाहौल स्पीति से कुंदन लाल और कुल्लू से आशीष की रिपोर्ट। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देहाती इलाकों में मोदी सरकार की योजनाओं